एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, इस तरह वो रखते गए। जब दसवें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। बीसवें खाने तक संख्या बढ़कर 524,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं तब आपकी SIP आपके सेवानिवृत्त होने तक एक बड़ी राशि बन सकती है।